बाबू रे हाँ अबे फीता लेके उठा गया जरा ला रिया वैसे नाप के देखिए कितनी ऊंची हो गई यार यो इसे ही नापते रहो इस वाले फित्ते से नाप पोगे क्या मैं जरूर कह रहा हूँ इतने पैसा कमाओ तुम नया फित्ते ले लो पैसा तो तू भी कमा पाए तुझसे कपड़े ना बदले जाते कई साल से ही नहीं कपड़ों मार रहा है अरे तो हाँ तो काम पे रहा इससे तो काम है अरे तो इससे भी काम हो रहा है थोड़ा सा नीचे पकड़ लेंगे हंसी तो टूटा हुआ है नापो मुझे बता तुम फालतू की बात बताओ जाओगे मुझसे उससे पहले ना मंगवाया मैंने फित्ता खाली मुल्ली दिवाली ऊंची करवा दी तुमने देखी दो रद्दे ज्यादा लग गए इस पे ये दो रद्दे उतरेंगे इस पे से तुम्हारा भी ध्यान है ना काम पे उतारो लो अरे वो बहुत सा झगड़ा हो गया था इसलिए थोड़ा दिमाग भटक गया धरादर को मैं सोच रहा था उसका मारूंगा दो रद्दे लेकिन दो रद्दे दीवार पे को लग गए ये कब मुंह तोड़ूंगा सुतरी का या आग उड़ा ली ईंट हटा चलो जल्दी अपनी बहू से लड़ी कर कावे दिमाग खुद का ठिकाने पर रहता और हम तो को आगे झेल लिया वे ओ भैया हम मजदूर हैं तो मजदूरी कर रहा है किसी के एहसान में थोड़ी ना है मगर ना जी मुझ पर कोई झल जाता रहा मुझ पर कोई झल जाता रहा अरे यहाँ से फेंक रहे पहले जगह डालने सारा चूरा मचा दिया तुमने इसका अरे कहीं ना चूरा मच रहा सारे चूरे इसकी मच रहा है मूड खराब मत करो बिल्कुल भी देखो तुम हम तो अंधे दिख रहे बिल्कुल भी हमें मूड खराब की बात कर रहे हैं ले दिवाली का बोल रहे सपना हम मिस्त्री कहाँ है हो अरे मिस्त्री को भी दो है क्या सारे तू रखेगा क्या यो बता मिस्त्री कहाँ है अरे मिस्त्री साहब तो है वहाँ काम कर रहे थे पता ना वहाँ को कहाँ चले गए निकल के मैं खुद देख रहा हूँ नहीं ले तो ले 500 तेरे हैं कुछ सामान खरीद ले सामान इसलिए लिखा है कभी तुम्हें पसंद आवे और 500 मिस्त्री दे दिए ठीक है और हैप्पी दिवाली दे दो हमें हाँ हैप्पी दिवाली खुश रहो मिस्त्री ने पिछली बार जो है मुझे आधे पैसे भी नहीं दिए थे पूरे मगर अब के मैं सही रखूंगा मैं दूंगा उसे पैसे और तो और मिस्त्री मुझे एक बात में बहुत गलत लगता कल बताओ खाने पीने की चीज में नुकेरा तू बड़ा मिस्त्री है मैं मिस्त्री अरे भले से मानना मिस्त्री तुम हो मगर ना जी फिर भी एक ना एक बात लिया ही है बकवास करो जा रिया तू ये देखे क्या कर रखा तूने सैरिटों का चूरा मचा रिया अबे गुस्सा की बात का दिखा रिया है सैरिट से तोड़ दी तूने अरे तो यार मालिक से कह दो कुछ चटका पटका लिया होगा पता नहीं कच्ची टिकट लेके आ रहेगा उसे तो जो भी ना पता दीपावली का वो देना बोनस उनस ना बहुत बड़ा रजील है इन मामलों में यो वाली बात तुम सही कह रहा है मिस्त्री साहब इंतजार में था कि आगा आगा अभी तक नहीं आया मगर मैं तो वाली बात भूल गया था यार की देना चाहिए था बोनस तो यार की अगर मालिक ना तो ठेकेदार को आना चाहिए था भैया कोई तो आता वैसे तो ठेकेदार ही देता क्योंकि वो लिख कर रख ले मेरी बात मानो तो मिस्त्री साहब से काम छोड़ो सारा हो अरे काम तो छूट जाएगा लेकिन तू ईंटों का नुकसान मत कर यार क्या कह रहे हो ले ले भुरे ले 500 रुपए और रख लो लो और रख लो अरे हाँ ये खैर पहले देख के देख यार 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 वो बहू का फोन आया था घर से आपको कह रही थी ना वो मिस्त्री और मजदूर के बाल बाल बच्चे भी रहे तो उनको 500 और दे दो मतलब तुमने पहले दे दिए पैसे अरे बोनस देख गया तुम्हारा दिवाली का इसने दिए ना तुझे इसने यो तो नुकह रहे ठेकेदार बहुत बड़ा रजील है इधर को भटका भी ना तूने पैसे नहीं दिए पैसे अरे मैं तो देने वाला था बहुत हरामी आदमी है तू कल भी तूने ऐसी करा लो तो लो तुम आप रख लो अरे तो 500 और देना था बाजार तुझे पहले दे दिया था अरे 500 तो मेरे हैं 500 कंडो गई तुमने अभी अब 500 1000 पहले दे देख के आया देगा ना अबे पहले वाले 500 ना देगा ले 1000 रख तू अपनी बहू के लिए भी सामान लेके अपने बच्चों के लिए भी हरामी बहुत है साले ठेकेदार तमाम नु कह रहे रजील है आया नहीं बताओ यार आज के बाद देख मजी जा काम कर ले जाके चुपचाप से सालों जितना गरीबों को करने की सोचो तो उतने हरामीपन करते हैं हमारे साथ में।